नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10 की जो कृति का भाग 2 है पुस्तक, उसका लेसन नंबर 3 साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्न उत्तर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। साना साना हाथ जोड़ी की जो लेखिका है, जिसने इसको लिखा है, उनका नाम है मधु कांकरिया। तो इसके जो सार है, इसका जो सारांश है, इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं पिछले वीडियो में। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, उस सारांश को देख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। साना साना हाथ जोड़ी का जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, झिल मिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा झिल मिलाते सितारों की रोशनी में नहाया हुआ गंतोक सर कुछ इस तरह लेखिका को सम्मोहित कर रहा था, जिसे देखकर लेखिका बहुत ही हैरान थी, बहुत ही परेशान थी कि कितना सुंदर ये सितारों की रोशनी, मतलब ये गंतोक सर, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा आसमान ही उलट गया है इस सिटी में, इस शहर में इतना सुंदर लग रहा है। तो ये सब देख के पूरा ही हैरान है, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि पूरा का पूरा आसमान ही उलट गया है और सारे तारे क्या हुए नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं, और दूर जो ढलान वाली घाटी पर सितारों के जो गुच्छे हैं वो प्रकाश की तरह एक झालर बना रहे हैं। मतलब दूर दूर तक ढलान पे जितने भी, मतलब घाटी में रोशनी है, जितने भी लाइट जल रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सब क्या है, सितारों के गुच्छे हैं जो प्रकाश की एक झालर की तरह बना रहे हैं। ऐसी ही रहस्यमय सितारों में, सितारों से भरी जो रात है वो लेखिका को क्या कर रही है, ये जो सितारों से भरी रात है ये लेखिका को बहुत ही सम्मोहित कर रही है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका सब कुछ स्थगित हो गया है, मतलब सब कुछ रुक सा गया है, सब कुछ मानो जैसे अर्थहीन सा हो गया है। तो यही आंसर है इसका कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया हुआ ये जो गंतोक सर है लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आसमान के तारे पूरे उलट कर नीचे बिखर गए हैं और दूर ढलान वाली घाटियों पर ऐसा लग रहा है कि सितारों के गुच्छे प्रकाश के एक झालर में बना रहे हैं। तो यही सब बातें लेखिका को बहुत ही देखकर सम्मोहित लग रहा है, यही सब जो दृश्य है जो लेखिका देखकर बहुत ही सम्मोहित हो गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। गंतोक को मेहनत कर बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गंतोक को मेहनत कर बादशाहों का शहर कहा गया है, क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर होगा कि गंतोक शहर एक ऐसा शहर है जिसे वहां के रहने वाले मेहनत कश लोगों ने मिलकर अपनी मेहनत से इतना मनोरम बना दिया है, जहाँ की सुबह शाम रात सब कुछ इतना सुंदर प्रतीत होता है। मतलब वहां के मेहनत करने वाले लोगों ने मिलकर इतना सुंदर इस शहर को बना दिया है कि चाहे वो सुबह हो शाम हो रात कुछ भी हो, हर एक चीज बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। अतः यहाँ के रहने वाले निवासी खूब मेहनत करते हैं, इसीलिए गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। दूसरी ओर देखा जाए जो जो चाय के बागान के जो धनी लोग हैं, उनका भी गंतोक शहर को सुंदर बनाने में बहुत ही सहयोग रहा है, इसीलिए गंतोक शहर को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। हम आप लोगों को इसको सारांश में भी बताए थे कि युमथांग में कभी श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं तो कभी रंगीन पताकाएं, मतलब कभी सफेद रंग की तो कभी रंग बिरंगी पताकाएं, तो दोनों को अलग अलग अवसर में फहराया जाता है, क्या संकेत करता है। तो अगर आप वो सारांश का वीडियो देखे होंगे तो आप जान रहे होंगे, अदरवाइज नहीं भी देखे तो हम यहाँ आंसर में आपको बताएंगे। आंसर है इसका कि युमथांग शहर से बाहर जब भी किसी पवित्र स्थान पर, वहां पर क्या होता है, कोई भी पवित्र स्थान पर वहां के लोग जो होते हैं वो दो तरह की पताकाएं लगाते हैं। कैसी दो तरह की पताकाएं, एक तो श्वेत पताकाएं होती हैं
जो किसका प्रतीक मानी जाती है? शांति और अहिंसा की प्रतीक मानी जाती है और उन पताकाओं पे मंत्र भी लिखे होते हैं। दूसरी ओर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं जो शुभ कार्य के लिए होता है। मतलब लोगों की मान्यता है, ठीक है, कि जब भी किसी बौद्ध धर्म के अनुयायियों की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए वो लोग क्या करते हैं, 108 श्वेत पताकाएं शहर से बहुत दूर किसी पवित्र स्थान पे फहरा देते हैं। और इसी प्रकार जब किसी नए या शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो रंगीन पताकाएं फहरा देते हैं। और वो लोग इन रंगीन हो चाहे श्वेत हो, इन पताकाओं को कभी भी उतारते भी नहीं है, वे खुद ही धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो यही संकेत है श्वेत और रंगीन पताकाओं को फहराने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जितेन नारगे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी? लिखिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जितेन नारगे लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की जो भी भौगोलिक स्थिति थी, वहां का जैसा भी जनजीवन था, उन सब के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दिए थे, तो उन्हीं सब के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां दिए थे जितेंद्र नारगे, जो लेखिका का क्या था, एक ड्राइवर था, और ड्राइवर के साथ साथ और एक क्या काम कर रहा था, गाइड का भी काम कर रहा था। तो पहला जो महत्वपूर्ण जानकारी था वो क्या था कि सिक्किम में गंतोक से लेकर युमथांग तक कई तरह के सुंदर फूल है, अतः उन फूलों से लदी सुंदर वादियां भी है। पहला तो ये नारगे बताता है सिक्किम के बारे में। दूसरा नारगे बताता है कि शांति और अहिंसा की प्रतीक माने जाने वाली 108 श्वेत पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे होते हैं, यहाँ किसी बौद्ध धर्म के अनुयायियों की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए फहरा दी जाती है। अभी हमने आपको इसके पहले जो क्वेश्चन में आंसर दिया वही उसके बारे में ही बता दी जा रही है। फिर उसी प्रकार क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट, रंगीन पताकाएं जो शुभ कार्य की शुरुआत के लिए फहराई जाती हैं, ये भी अभी हमने आपको ऊपर बताया। चौथा, नारगी बताता है लेखिका को कि कवि लॉन्ग स्टॉक जो जगह था, कवि लॉन्ग स्टॉक यहाँ पे किसकी शूटिंग हुई थी, गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट क्या है, रास्ते में एक कुटिया में घूमते हुए चक्र, जब धर्म चक्र को देखता है नारगे तो लेखिका को कहता है कि मैडम ये देखिए ये धर्म चक्र है, इसे प्रेयर व्हील्स कहते हैं, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो इसके बारे में भी नारगे लेखिका को बताता है। छठा पॉइंट क्या है, बताता है कि यहाँ 3 से 3.5 किलोमीटर दूर ऊपर चढ़ाई पर एक स्कूल है और इसी स्कूल में ये बच्चे रोज पैदल जाते हैं, यहाँ पे कोई भी स्कूल बस नहीं है। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम को अपनी माँ के साथ मवेशियों को चारा भी चराते हैं और जंगल से लकड़ियों का भारी भारी गट्ठर भी ढोते हैं। सातवां पॉइंट नारगे बोलता है कि कटाव के बारे में बताता है, क्या कटाव के बारे में बताता है, कि कटाव को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहते हैं। आठवां पॉइंट, यहाँ एक पत्थर पर गुरु नानक के फुटप्रिंट भी है और यहाँ पे मान्यता है कि जो गुरु नानक जी खाना खा रहे थे तो उनकी थाली से कुछ चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे और जिस जगह ये चावल छिटके थे वहां अब चावल की खेती होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात नारगे लेखिका को बताता है। नवा पॉइंट में क्या बोलता है कि यहाँ 1 किलोमीटर के क्षेत्र पे एक खेदुम नाम का एक स्थान है। मतलब नारगे बता रहा है लेखिका को यहाँ से 1 किलोमीटर के क्षेत्र में खेदुम नाम का एक स्थान है दूर जहां पर देवी देवताओं का निवास है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ कभी गंदगी नहीं फैलाते हैं। तो ये सब बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो नारगे है लेखिका का ड्राइवर, वो एक गाइड के रूप में भी ये सब बातें लेखिका को बताता है। चलिए अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? अब इसका आंसर क्या होगा चलिए जानते हैं। लेखिका का ड्राइवर जितेंद्र नारगे कभी लॉन्ग स्टॉक के बारे में परिचय दे रहा था, उसी रास्ते जाते हुए एक कुटिया में घूमता हुआ एक चक्र दिखाई दिया जिसके बारे में नारगे ने लेखिका को बताया। क्या बताया, अभी अभी हम आपको इसका आंसर ऊपर वाला जो आंसर था वो आपको बताए ऊपर वाले क्वेश्चन के आंसर में, कि वो लेखिका को बताया था कि ये क्या है, ये एक धर्म चक्र है, ये एक प्रेयर व्हील्स है, जो उस कुटिया में घूम रहा है एक चक्र वो एक क्या है, धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील्स है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं।
तो जितेंद्र की इन बातों को जब लेखिका सुनती है तो उनको लगता है कि जैसे मैदान हो या पहाड़ हो, चाहे तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की जो आत्मा है वो क्या है, एक जैसी है। मतलब लोगों के अंदर जो उपस्थित आशाएं, उपस्थित जो भी आस्थाएं हैं, विश्वास है, अंधविश्वास है, पाप पुण्य अवधारणाएं और कल्पनाएं, ये सब कैसी है, एक जैसी ही है। अभी जैसे कि यहाँ पे उनका कहने का मतलब है कि हम हिंदू है तो हम अपनी आस्था को लेके मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम है तो मस्जिद में जाते हैं, इस तरह हर एक की अपनी अपनी एक आस्था है। तो उन्होंने क्या किया, भारत की जितने भी लोग हैं सबके पूरे भारत की आत्मा को क्या बोला, एक जैसा उनको दिखाई दे रहा है, आस्था के रूप में सभी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जितेंद्र नारगे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। यहाँ पे तो जितेंद्र नारगे गाइड की भी भूमिका, ड्राइवर के साथ साथ गाइड की भी भूमिका अपनाए हैं। तो इस तरह अगर कोई एक अच्छा गाइड है, कुशल गाइड है, तो उसमें क्या क्या गुण होते हैं। तो जो जितेंद्र नारगे वो लेखिका का क्या है, ड्राइवर होने के साथ साथ एक अच्छा गाइड भी है। अब वह नेपाल से कुछ दिन पहले आया था, जिसे नेपाल और सिक्किम की बहुत अच्छी जानकारी थी, वह उस क्षेत्र से अच्छी तरह से परिचित था, उसमें प्रायः गाइड के वे सभी गुण विद्यमान थे। तो क्या क्या वो गुण थे, पहला, एक कुशल गाइड में उस स्थान की, एक जो अच्छा गाइड होता है उसको उस जगह की जहां वो लोगों को, वो दर्शनार्थी को घुमा रहा है, उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी होनी चाहिए, और वे सभी गुण किसके पास थे, नारगे के अंदर विद्वान थे। दूसरा जो पॉइंट है कि गाइड में सैलानियों के को प्रभावित करने की बहुत ही रोचक शैली होनी चाहिए, यह भी नारगे के पास था। एक सुयोग्य गाइड, तीसरा पॉइंट, एक सुयोग्य गाइड क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों को भी की भी जानकारी रखता है। जो एक अच्छा गाइड होता है वो उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जितने भी जनजीवन है, जैसा भी जीवन वो बिता रहे हैं उस क्षेत्र में, उसकी भी जानकारी गाइड रखता है और संवेदनशील भी रहता है, होता है। चौथा पॉइंट, वह पर्यटकों के साथ, मतलब वह किसको बोला है, नारके को बोल रहा है कि नारके पर्यटकों के साथ इतना घुल मिल जाता है कि स्वयं गाने के साथ नाच उठता है और सैलानी भी उसके साथ नाच उठते हैं, और इस तरह वह लोगों के साथ बहुत ही अच्छा एक आत्मीय संबंध, एक आत्मीय संबंध जो होता है, अच्छा संबंध भी बना लेता है। पांचवा पॉइंट जो है लास्ट, कुशल गाइड वाक्पटु होता है, मतलब वह अपनी वाक्पटुता से पर्यटन स्थलों के प्रति जिज्ञासा बनाए रखता है। वो अपनी बातों से क्या करता है, लोगों को जिज्ञासु बनाए रखता है, और पताकाओं जैसी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देके नारगे उस स्थान के महत्व को बढ़ा देता है। मतलब वो अपनी बातों में भी सबको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता है कि वहां के जगह जो है उनके महत्व को भी बढ़ा देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। मतलब ये जो पूरा यात्रा किया है लेखिका ने, हिमालय के बहुत सारे रूपों का चित्र खींचा है अपने मन में, तो उन्हीं सबको अपने शब्दों में लिखना है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। लेखिका को गंतोक से युमथांग के लिए जाना था, युमथांग के लिए जाना था। लेखिका को गंतोक से युमथांग के लिए जाना था। सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा के दर्शन करना चाहती थी। लेकिन जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा के दर्शन उनको नहीं, क्यों नहीं हुई, क्योंकि बादलों से आसमान घिरा होने के कारण कंचनजंगा वो नहीं देख सकी, परंतु सामने बहुत सारे ऐसे रंग बिरंगे फूल थे जिसको देखकर लेखिका को ऐसा लगा कि वो फूलों के बगीचों में आ गई हैं। अब आगे बढ़ी, आगे बढ़ने पर उन्हें क्या मिला, एक बहुत बड़ा विशाल का हिमालय मिला। जो हिमालय था वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे अब विशाल होता जा रहा है। लेखिका को बड़े बड़े पर्वतों के बीच से निकलते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत घनी हरियाली गुफा है जिसके बीच में हम हिचकोले खाते हुए निकल रहे हैं, हिलते डुलते क्या कर रहे हैं, घूमते फिरते, घुमावदार रास्ता तो होता ही है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो घूमते फिरते निकल रहे हैं हिचकोले खाते हुए। लेखिका कभी कभी पर्वतों के शिखरों को भी देखती हैं, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते हुए झरने को देखती हैं, जैसे सेवन सिस्टर वाटरफॉल जो वहां पे सभी लोग देखते हैं, दर्शनार्थी जाते हैं। तो कभी नीचे चांदी की तरह बहती हुई तीस्ता नदी को देखती हैं, तो कभी रात के गहराते अंधेरे में उन्हें ऐसा लगता है कि हिमालय ने काले रंग के कंबल
ओढ़ लिया हो, मतलब बादल जो काले बादल है उसके कंबल को ओढ़ लिया है। तो यही सब बातें जो है लेखिका को इस यात्रा वृतांत में जो चित्रों के रूप में खींचा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रकृति का बहुत ही अनंत और बहुत ही विराट स्वरूप देखा, तो लेखिका को कैसी अनुभूति हो रही है। तो इसका आंसर होगा कि लेखिका प्रकृति के उस अनंत और उस विराट, विराट मीन्स बहुत बड़े रूप को देखकर एकदम मौन, ऐसी मौन हो गई जैसे कोई ऋषि, ऋषि जो होता है शांत स्वभाव का होता है ना, वैसे ऋषि की तरह वो भी शांत सी हो गई। उस सारे के सारे सुंदर दृश्य जितने भी उनको दिख रहे हैं वो सबको क्या करना चाह रही है कि हम अपने अंदर पूरा समेट लें, ऐसा वो चाह रही है। ऋषि की तरह शांत स्वभाव में बैठकर सारे के सारे दृश्य को अपने अंदर समेट लेना चाहती है। वो बहुत ही रोमांचित और बहुत ही प्रसन्न है। उन्हें नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत का भी एहसास हो रहा है। लेखिका को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हो। मतलब वो कैसा महसूस हो रहा है कि वो बहुत दूर आ गई और इस धारा में मैं बह रही हूँ। भीतर के जितने भी, उनके अंदर की जितने भी दुष्ट वासनाएं, गलत चीजें हैं, वो सब क्या लग रही है कि इस निर्मल धारा में निकलकर बह जा रही है। उनका मन कर रहा था कि वो अनंत समय तक बस ऐसी ही बहती रहे, हर समय वो क्या करती रहे, ऐसी ही बहती रहे और इस झरने की जो पुकार है बस उनको सुनती रहे। प्रकृति के इस सुंदरता को देखकर लेखिका को पहली बार एहसास हुआ कि यही जो सौंदर्य है, यही चलायमान है, यही हमारे जीवन का आनंद है। तो प्रकृति के इसी अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को यही अनुभूति हुआ।